महामारी ने इस समय देश के हालात को बेहद खराब कर दिया है। इसकी चपेट में बूढ़े से लेकर बच्चे तक आ रहे हैं। महामारी बेहद तेज गति से पूरे देश में पैर पसार रही है। अब इसकी चपेट में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आ चुके हैं। इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद देश के बड़े बड़े नेता उनके जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने लगे। अब इस कड़ी में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का भी नाम शामिल हो गया है। तो क्या कहा है इमरान खान ने, देखिए पूरी खबर में। महामारी ने पूरे देश पे हाहाकार मचा दी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के मामलों में तो आज तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। बीते 24 घंटे में महामारी के 2,95,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। तो अब इसकी जद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ चुके हैं। इसके बाद उन्हें सोमवार को हल्के बुखार के साथ दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके बाद देश के कई नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हो गए। आज इमरान खान ने भी ट्वीट करके कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द कोविड-19 से उबरने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह को महामारी के टीके कोवैक्सीन की 2 डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस महामारी की जद में वो आ गए। संक्रमित होने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में महामारी के हालात से निपटने के लिए रविवार को 5 उपाय बताए थे और इस बात पर जोर दिया था कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण और दवाओं की आपूर्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। केवल टीका लगाए जाने से कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।